हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का राज कब से कब तक चला, किन बादशाहों ने उस पर राज किया, उसमें कि उन बादशाहों का शासनकाल कब से कब तक चला। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हमारे कुछ फ्रेंड्स भाइयों बहनों ने मुझे बोला कि आप एक बार इतिहास पे ये दिल्ली सल्तनत के बारे में बताइए शॉर्ट वीडियो। तो हमने कहा ये वीडियो उन सभी के लिए है जो यह हमसे पढ़ते हैं, जो हमसे जुड़े रहने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज शशि क्लासेस ऑफिशियल को फॉलो भी करें, और हमें साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो को। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत क्या है, तो पहले जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो सलाहकारों की माना जाए, हाँ, तो इतिहासकारों सलाहकारों की माना जाए तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक चला था। 1206 से लेके 1526 तक चला था। इस काल में भारत पर राज करने वाले 5 सुल्तानकारों को सुल्तानकारों के शासनकाल को ही हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। अब सीधी सी भाषा समझिए कि सुल्तान थे, उनके पांच जो वंशज थे उन्हीं के शासनकाल को हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ये हाँ, तो दिल्ली सल्तनत ये हो गया शासन। इतिहासकारों की माने तो भारतवर्ष पे राज करने वाले किन्हीं 5 सुल्तानों के राज को हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत कब से चला, 1206 से 1526 तक। तो चलिए, ये तो हम जान गए कि 5 शासक काल थे जो उन्होंने राज किया था भारत पे, कब से, 1206 से 1526 तक इन्होंने राज किया था। मगर हम ये कैसे जाने कि किन किन ने राज किया था, कभी काल एग्जाम में पूछे जाते, कई बच्चे गलत भी लिख देते हैं जब उनको नहीं मालूम होता। तो उन्हीं बच्चों के लिए हम जोरदार ट्रिक के साथ आए हैं इस वीडियो में। हम उनको इस वीडियो में ये बताने वाले कि आप इस ट्रिक के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा इतिहास आप समझ जाएंगे। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत, अब उसका हम ट्रिक है गुल खिला तू सालो। तो इसमें ये जो सालो है, तो ये मत समझिएगा कि अब इसमें किसी गाली का प्रयोग किया गया कि किसी गलत वर्ड का। तो सालो मतलब इन्होंने सालों साल राज किया था, इन्हीं के वंशज चले आते हैं सालों साल राज करने के लिए। तो ये सालों का, ये तो सालों का है ये टॉपिक, ये वही है। तो अब यहाँ इसमें देखिए, गुल खिला तू सालो, तो ये ठीक है। तो इसमें गुल का हो जाएगा कि गुलाम, सबसे पहला शासक जो था गुलाम। तो हम यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं, गुलाम वंश ने कब से कब तक राज किया था, गुलाम वंश ने राज किया था 1206 से 1290 तक, ठीक। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक राज किया था, और फिर वहीं से उनका जब गुलाम वंश का शासन खत्म हुआ तो वहीं से स्टार्ट हुआ खिलजी वंश ने राज कब से किया, खिलजी वंश ने किया 1290 से लेके 1290 से लेके 1320 तक, ठीक। 1320 तक कितने का खिलजी वंश का राज चला, ठीक। अब यहाँ देखिए, खिलजी वंश ये भी हमारा हो गया पूरा। अब ये तू से बताए, यहाँ तो रहेगा तुगलक वंश। अब आखिर तीसरे वंश का नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने राज किया था 1320 से 1414 तक। अब यहीं पे ठीक, तो ये अपना ये भी पूरा हो गया तुगलक। तो अब यहाँ पे देखिए, सालों जो दो शासकों को मिलके हमने एक ये बनाया। तो सात से अपना ये हो गया सैयद, क्या हो गया, सर से हो गया सैयद वंश। तो सैयद वंश का चला था 1414 से लेके 1451 तक, 1451 तक किसका चला था, सैयद वंश का काल, शासन काल। तो अब यही देखिए, अब आखिरी बचा लो से क्या हो जाएगा, लोदी वंश। तो लोदी वंश का काल, ये इनका आखिरी काल था। लोदी वंशी जो थे आखिरी शासक बचे थे, तो इनका 1451 से लेके 1526 तक, इनका कब से कब तक चला था, 1526 तक। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए, अब आपको पूरी ट्रिक के माध्यम से अब बता दिया कि कौन से शासक ने कब से कब तक राज किया था, वो कौन से 5 शासक थे जो कि पूरे भारत पे राज किए थे, और उन्हीं की इन्हीं 5 वंशजों के की वजह से दिल्ली सल्तनत पड़ा,
दिल्ली सल्तनत, इसमें गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश उन ये सबसे पहला था चौहान सल्तनत। और हम एक बात और जान लेते हैं, देखिए कि ये चार वंश गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये जो चार वंश थे, एक से चार तक जो ये वंशज थे, ये सब तुर्क के, तुर्क से संबंध रखे, ये सब किससे संबंध रखते थे, तुर्क से, ये सब तुर्क वंश के से संबंध रखते थे। और इन्हीं में ये लोदी वंश जो था, जिसे ये लोदी वंश, तो ये लोदी वंश जो था अफगान से संबंध रखता था, किससे, अफगान, ठीक। तो आई देखिए हम बताते हैं, गुलाम वंश से लेकर सैयद वंश तक, एक से चार तक जितने थे, ये सब तुर्क से संबंध रखते थे, ये तुर्क के वंश थे, और ये लोदी जो था ये अफगान का वंश था, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब आप एक बार फिर देख लेते, गुलाम वंश 1226 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, और लोदी वंश 1451 से 1526 तक, यह इनका शासन चला था। और इनके शासन का अंत कब हुआ था, इस वीडियो को लास्ट में ये भी जान लें, इनका अंत कब हुआ था, इनका अंत लोदी वंश का आखिरी वंश जो हुआ था, इनका अंत हुआ था ये जब मुगल बादशाह से, जब इनका इनका युग मुगल मुगल बादशाह से जब इनकी इनका युद्ध हुआ था, तभी इनका 1526 में इनका वंश खत्म हुआ था। तो इन्हीं के पूरे शासनकाल को, इन्हीं के पूरे शासनकाल को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।